नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी संक्षिप्त यात्रा पर नेपाल पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ है। नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउवा ने उनकी अगवानी की। पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी पहुंचे हैं, जहां महामाया देवी मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। उन्होंने बोधि वृक्ष की भी पूजा की। पीएम ने ट्वीट किया कि नेपाल आकर बहुत अच्छा लगा है। एक सांप को अंडे देने के लिए पुल के काम को रोकने का बेहद खास मामला सामने आया है। दरअसल यूरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड केरल के कासरगोड में 4 लेन हाईवे का निर्माण कर रही है। इसमें 54 दिनों के लिए एक पुलिया के निर्माण कार्य को इसलिए स्थगित कर दिया गया ताकि एक अजगर अपने 24 अंडे दे सके। वाराणसी के ज्ञान बापी मस्जिद के सर्वे का काम आज तीसरे दिन पूरा हो गया। सर्वे पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि बाबा मिल गए। कहा गया है कि सर्वे में काला पत्थर मिला, जो शिवलिंग है, जितना सोचा था उससे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के संरक्षण के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उसे तत्काल सील कर दे। पाकिस्तान दुनिया के 29 देशों में से एक है जो पिछले 2 साल से अधिक समय से सूखे का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के मद्देनजर पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछली सदी में एशिया में सबसे अधिक लोग सूखे से प्रभावित हुए। पाकिस्तान के अलावा संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल अन्य 22 देशों में अफगानिस्तान, अंगोला, ब्राजील, बुर्किन फासो, चिली, इथोपिया, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, केन्या, लेसोथो, माली, मारितानिया, मेडागास्कर, मलावी, मोजाम्बिक, नाइजर, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सीरिया, अमेरिका और जाम्बिया शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 2 महीने में ये 12वीं वृद्धि है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की वेबसाइट पर यह जानकारी साझा की गई है। इसके अनुसार दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी की कीमत अब 71.61 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 73.61 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। कीमतों में 7 मार्च के बाद ये 12वीं बढ़ोतरी है। दिल्ली में भाजपा शासित नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि अगर बुलडोजर से दिल्ली में 63 लाख लोगों की दुकानों और घरों को तोड़ दिया जाता है, उन्हें अवैध माना जाता है, तो यह स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा विनाश होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाया है। उन्होंने रविवार को कहा कि इसे हटाया नहीं जा सकता क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय का आधार बना था। खास बात यह है कि अब्दुल्ला का बयान ऐसे समय पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। भारत में कोरोना वायरस के ताजा मामलों ने संख्या में लिहाजा राहत मिली है। आंकड़े बताते हैं कि रविवार को खत्म हुए सप्ताह में रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या में करीब 16% की गिरावट दर्ज की गई है। कम होते मामलों के बीच देश में अप्रैल के तीसरे सप्ताह में संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा था। भारत में एक दिन में कोविड-19 के अब 2202 नए मामले सामने आए हैं। 2 मई से 8 मई तक देश के कोविड-19 के करीब 23,000 नए मामले सामने आए थे। वहीं 9 मई से 15 मई के बीच में ये घटकर 19,405 पर आ गया है। अहमदाबाद पुलिस की डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच ने फिल्म निर्माता विनाश दास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। खबर है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की तस्वीर कथित तौर पर शेयर करने को लेकर यह कार्रवाई हुई है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दे दी है। हाल ही में सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन को संयुक्त अरब अमीरात का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ये भारत के लिहाज से काफी अहम है, जिसके बाद से सबकी नजर इस पे है कि यूएई के नए राष्ट्रपति और उनके सत्ता संभालने से भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज राष्ट्रीय राजधानी में अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ एक बैठक की। सीएम ने बैठक में कहा कि हम दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि अतिक्रमण और अवैध रूप से बनी हुई दिल्ली की समस्या का हम समाधान करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि कच्ची कॉलोनी में रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाएंगे, दिल्ली को झुग्गियों से भी मुक्ति दिलाएंगे। ग्रीन मैन के नाम से मशहूर पर्यावरणविद विजय कुमार बघेल का प्रवासी पक्षियों को अब देश की आबोहवा कम रास आ रही है। इसके चलते देश में पक्षी विहारों में विदेशी मेहमानों की आवक कम हो रही है। प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी का एक प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। उनका कहना है कि यदि प्रवासी पक्षियों के दीर्घकालिक कारणों पर बात करें तो जलवायु परिवर्तन इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है।
पंजाब और हरियाणा के ऊपर बना एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र प्री मानसून गतिविधियों को प्रेरित करेगा, जिससे सोमवार और मंगलवार को भीषण गर्मी से राहत मिले की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, धूल भरी तेज आंधी चलने की भी संभावना है। राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 41 और 28 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। इसके बाद बुधवार और बृहस्पतिवार को आसमान तो साफ रहेगा, लेकिन राजधानी वासियों को तेज धूप और लू का सामना करना पड़ेगा। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने सोमवार को अपील की है कि सच्ची मानसिक शांति के लिए लोग गौतम बुद्ध के कहे गए वचनों पर ध्यान दें। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कन्फेडरेशन द्वारा आयोजित समारोह में 14वें दलाई लामा ने वीडियो संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज हम वैशाख मना रहे हैं, इसी दिन 6 साल की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जमैका की 4 दिवसीय यात्रा आज से शुरू हो गई है। किंगस्टन के नॉर्मन मैनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते ही राष्ट्रपति का भारतीय प्रवासियों ने भव्य स्वागत किया। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली जमैका यात्रा है। उनके साथ उनकी पत्नी प्रथम महिला सविता कोविंद, बेटी स्वाति कोविंद, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, लोकसभा सांसद रमा देवी, सतीश कुमार गौतम और सचिव सर के अधिकारी भी है। राष्ट्रपति कोविंद का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी से किया गया। जहाज रोधी ब्रह्मोस मिसाइलों को शामिल करने के लिए भारत के साथ एक समझौते के बाद फिलीपींस सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से अपने सैन्य विमानों के बेड़े को अपग्रेड करने में रुचि दिखाई है। सूत्रों के अनुसार HAL ने अप्रैल में फिलीपीन एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसके बाद भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का निर्यात कर सकता है। हाल के 2 अध्ययनों में पता चला है कि ओमिक्रॉन संक्रमण ने टीकाकरण वाले रोगियों में बूस्टर शॉट की तुलना में बेहतर इम्यून रिस्पांस दिया। कोविड-19 वैक्सीन निर्माता बायोएनटेक SE और वॉशिंगटन विश्वविद्यालय की टीमों ने हाल के सप्ताहों में प्रीप्रिंट सर्वर बायोरिक्सिव पर परिणाम पोस्ट किए हैं। उनके शोधों के रिपोर्ट में संकेत मिलता है कि टीका लगाए लाखों लोग जिन्हें ओमिक्रॉन का संक्रमण हुआ था, वो शायद जल्द ही किसी अन्य प्रकार के गंभीर रूप से बीमार नहीं होंगे। हालांकि अभी शोध में मिले परिणामों के बड़े पैमाने पर पुष्टि होनी बाकी है। जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दलों की राज्यसभा में कठिन परीक्षा है। 10 जून को ऊपरी सदन की 57 सीटों के लिए महामुकाबला है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद सदस्य और लोकसभा और राज्यों में विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। सांसदों की कुल संख्या 776 है। प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 708 है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कटाक्ष करते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा कि वाहन जब ढलान पर होता है और विपक्षी नेता के लिए ब्रेक लगाना मुश्किल है, तब ऐसी स्थिति में दुर्घटना अपरिहार्य हो जाती है। राउत की टिप्पणी के एक दिन बाद फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी सरकार की तुलना बाबरी मस्जिद ढांचे से की थी। साथ ही कहा कि वो तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक कि शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बेदखल नहीं कर देते। राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर उनके गिरगिट आचरण के लिए लताड़ा है। साथ ही कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में हिंदुओं को नष्ट करने के बाद अब वो दोहरी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। चुग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अब्दुल्ला परिवार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित परिवार को तबाह करने की साजिश रची है। उन्होंने अब्दुल्ला को उनके मगरमच्छ के आंसू के लिए भी जमकर कोसा है। विमान ईंधन की कीमतों में सोमवार को 5.3% की बढ़ोतरी हुई, ये इस साल 10वीं वृद्धि है। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में जोरदार तेजी के कारण विमान ईंधन की कीमत उच्चतम स्तर पर है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन की कीमत 6,188.25 रुपये प्रति किलोमीटर या 5.29% बढ़कर 1,23,039.71 रुपये प्रति किलोमीटर हो गई है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के सांख्यिकी निदेशक फू लिंगहुई ने कहा है कि शंघाई में 9,000 सबसे बड़े औद्योगिक उद्यमों में से लगभग आधे काम पर वापस आ गए हैं, जो मार्च के अंत तक शुरू होने वाली लहर की वजह से बंद हो गए थे। शंघाई चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के सांख्यिकी निदेशक फू लिंगहुई ने कहा है कि शंघाई में 9,000 सबसे बड़े औद्योगिक उद्यमों में से लगभग आधे काम पर वापस आ गए हैं, जो मार्च के अंत में शुरू होने वाली लहर की वजह से बंद हो गए थे। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी जीरो कोविड की रणनीति को छोड़े बिना बंदी को पलटने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा और सिक्किम दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट किया कि सभी देशवासियों और पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध ने मानवता को अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं आज और अधिक प्रासंगिक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। अलग अलग जगहों पर 24 घंटे के अंदर नदी में डूबने से बिहार के 9 लोगों की जान चली गई है। मनेर थाना क्षेत्र के हल्दी छपरा संगम घाट पर नहाने के दौरान एक युवक डूब गया।
घटना के बाद सूचना पर स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से डूबे युवक की तलाश जारी रही। युवक के डूबने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। करिश्मा तन्ना और उनके पति वरुण बंगेर फिटनेस फ्रीक है और उन्हें अक्सर एक साथ जिम जाते हुए देखा जाता है। हाल ही में एक्ट्रेस ने वरुण के साथ अपने वर्कआउट सेशन का एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है। अपने हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में वरुण को करिश्मा को अपने कंधों पर उठाते हुए देखा जा रहा है और वो स्क्वाट करते दिख रहे हैं। बीपीएससी पेपर लीक मामले में ईओयू ने रविवार को बड़ा खुलासा करते हुए गिरोह का खुलासा किया। ये गिरोह अभ्यर्थियों से रुपए लेकर पेपर लीक कराकर परीक्षा से पहले ही उत्तर भेज देने की गारंटी देता था। इस गिरोह के चार लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उसमें कृषि विभाग का एक सहायक भी शामिल है। गिरफ्तार कर्मी पहले भी पेपर लीक मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अवैध तरीके से सचिवालय में उसकी नियुक्ति हुई। अगर आप SBI के ग्राहक हैं और आपने होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन ले रखी है, तो आप एक करारा झटका सहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से अभी हाल ही में रेपो रेट में बढ़ोतरी किए जाने के बाद देश में सबसे बड़े कर्जदाता बैंक SBI ने सोमवार को लोन की EMI यानी मासिक किश्त में इजाफा करने का फैसला किया है। दरअसल SBI ने अपने सीमांत लागत आधारित ऋण दर 0.1% की बढ़ोतरी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर निशाना साधते देखे गए और उन्होंने कहा कि भाजपा बांटने, कुचलने और दबाने का काम करती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने नोटबंदी की, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, किसानों के लिए काले कानून लाए और भारत के सब किसान एक साथ आए कानून को वापस लेना उन्हें पड़ा था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश के उद्धव ठाकरे सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार की तुलना बाबरी जैसे संरचना से कर दी। उन्होंने कहा कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आपकी सत्ता के बाबरी जैसे ढांचे को गिरा नहीं देते। उन्होंने मुंबई में पार्टी की महासंकल्प सभा में भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा का जाप भी किया। उत्तर कोरिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 3,92,920 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,13,550 पर पहुंच गई है। इस दौरान देश में 8 लोगों की जान भी गई। KCNA ने बताया है कि देश में बीते 24 घंटे के दौरान 1,52,600 मरीज ठीक भी हुए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रौनक, प्रिया यादव ऑफिशियल, विकास शर्मा, नुन्नू कुमार, ललित पासवान, जितेंद्र कुमार, सुनील कुमार सिंह, राजा चौबे। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इन दिनों मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर हो रही चर्चा सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।